નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી કે જેનું દ્વિતીય સંતરણ પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું, જેના કુલ ગુણ 80 રહેશે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન કરીએ. પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ ચૂનકર લખીએ. પહેલા, તૂફાનો કી ઓર ઇકાએ કે કવિ કોણ થે? તો શિવ મંગલ સિંહ સુમન. दूसरा, डायरी लेखन के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो उसका उत्तर आएगा, डायरी लेखन सिर्फ मासिक ही लिखी जाती है. तीसरा, शब्दकोश के क्रम अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरे स्थान पर आने वाला शब्द कौन सा है? तो उसका उत्तर आएगा, संध्या. चौथा, समानार्थी शब्द की सही जोड़ पहचानिए, जिसका उत्तर आएगा, दक्षशा निपुणता. पांच, विश्व अविश्व अने उजला, तो उसका उत्तर आएगा, अधियात. सिक्स, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? तो उसका उत्तर आएगा, डी, प्रकाश. सेवन, आंख नीची होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो उसका उत्तर आएगा, लज्जित होना. एट, यदि शब्द का अर्थ पहचानिए, तो उसका उत्तर आएगा, प्रारंभ. ब, निम्नलिखित वाक्यों में से हिंदी में अनुवाद लिखिए. तो उसमें पहला है, रविशंकर बस में मुसाफरी कर रहिया छे. तो उसका उत्तर आएगा, रविशंकर बस में यात्रा कर रहे हैं. दूसरा है, हमारी शाला में विविध उत्सव उजवामां आवे छे. तो उसका उत्तर आएगा, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों मनाए जाते हैं. तीसरा, हास्य ए उत्तम औषध है. तो उसका उत्तर आएगा, हंसी एक उष्कट औषधि है. चौथा, हूँ रमत रमाड़ू छू. तो उसका उत्तर आएगा, मैं खेल सिखाता हूँ. दिए गए शब्दों के उत्तर मिले ऐसी पहेलियां बनाइए. तो पहला है उसमें बादल, दूसरा हाथी और तीसरा है पतंग. तो विद्यार्थी मित्रों, उसकी पहेलियां आपको नीचे दी गई है, जिसे आप देख सकते हो. प्रश्न 2, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए. किन्हीं चार, पहला है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है. दूसरा, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों? तो उसका उत्तर है, आपको नीचे दिया गया है. तीन, लाल बहादुर शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है. चौथा, डायरी पढ़ने से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है. पांचवा, चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमें क्या लाभ होता है? जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है. ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला, कच्छ को म्यूजियम क्यों कहते हैं? जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है.
दूसरा, शास्त्री जी से ने ईश्वर के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किया, जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। प्रश्न 3 और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला है, इंसान को बांटने का अर्थ क्या होता है, तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। दूसरा, माझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है, जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। तीसरा, समुद्र ने कैसे रूप धारण किया है, तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। चौथा, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए, तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें पहला है, तूफानों की ओर घुमा दो द्वार कवि क्या कहना चाहते हैं, जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। दूसरा, बिना सोचे काम करने से क्या होता है, तो उसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। तीसरा, हमें किन लोगों के घर नहीं जाना चाहिए, जिसका उत्तर आपको नीचे दिया गया है। कब निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। प्रश्न 4 और सूचना अनुसार लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ से व्याकरण दिया गया है, जिसे आप नीचे देख सकते हो। प्रश्न 4, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए, जो पत्र आपको नीचे दिया गया है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक विषय पर शो शब्द में निबंध लिखिए। तो पहला है, एक किसान की आत्मकथा। दूसरा है, मेरा देश भारत। तीसरा है, यदि मैं शिक्षक होता। और चौथा है, मेरी प्रिय नेता। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इनमें से कोई 4 में से किसी एक निबंध लिख सकते हैं।
तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ सोल्यूशन जोयुं, सांभळ्युं अने समझ्या ते बदल आपनो खूब खूब आभार। तेमज आ वीडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों अने दोस्तोने जरूरथी शेर करजो, जेनी लिंक तमने डिस्क्रिप्शनमां आपेल छे। थैंक यू बाला विद्यार्थी मित्रों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।